बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। और बात करें हम इस सीरीज की, तो आप लोगों के डिमांड पे इसकी शुरुआत हुई थी और इस सीरीज के माध्यम से जो भी टॉप करंट अफेयर्स के प्रश्न है जो मुख्य रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखती है वैसे प्रश्नों का इसमें संग्रह किया जाता है। और आपको बता दूं कि ये मुख्य रूप से आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है, खास करके हम बीपीएससी जैसे परीक्षाओं की बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जिस प्रकार से बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है जहाँ से 40 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 150 प्रश्नों में से ये करंट अफेयर्स का 40 प्रश्न एक अच्छा खासा पोर्शन को कवर करता है। यानी कि करंट अफेयर्स पे अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो निश्चित तौर पर एग्जाम में आप सफलता के करीब रहेंगे। इस दिशा में ये आज आप देख रहे हैं दूसरा टेस्ट, जो कि वीडियो फॉर्मेट में आपको हूबहू टेस्ट वाली फीलिंग देगा। इस वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो की तरह यहाँ पर 40 प्रश्न है और इसका जो फुल मार्क्स है ये 40। और आपको ध्यान रखना है पिछले वीडियो की तरह ही इसमें कट ऑफ निर्धारित किया गया 33। आपको कम से कम 33 प्रश्न को हल करना है तभी जाके आप यहाँ पर पास समझे जाएंगे, अन्यथा आपका जो निर्धारण होगा इस टेस्ट के आधार पर आप फेल समझे जाएंगे। अब यहाँ पर इस वीडियो के पहले प्रश्न पे जाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जो पिछला टेस्ट आपने वीडियो फॉर्मेट में YouTube चैनल पर देखा इसका ऑनलाइन टेस्ट एकदम से निशुल्क था। आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर ये उपलब्ध कराया गया था। हमने आपसे आग्रह किया था कि सभी छात्र इसको अटेंड करेंगे और अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेंगे। तो ये जो टेस्ट आप देख रहे थे एप्लीकेशन पे, इसमें जो टॉप स्कोरर निकल कर सामने आए हैं वो टॉप 10 की सूची यहाँ पर हमने शामिल किया है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी बात या फिर कह सकते हैं एक जो खुशखबरी है जो कि आपको ध्यान रखना, अगर आप इस टॉप 10 की सूची में हैं तो आप अपना ईमेल आईडी चेक कीजिएगा, वहां पर आपको एक मैसेज गया होगा। तो उस मैसेज की बात करें तो वहां पर आपको बधाई के साथ साथ एक प्रोमो कोड देखने को मिलेगा, जिस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके बीपीएससी मेकर ऐप पर जो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चला जा रहा है आप वहां पर इस कोर्स में 50% का डिस्काउंट प्राप्त कर पाएंगे। तो जो टॉप सूची आप यहां पर देख रहे हैं टॉप स्कोरर स्टूडेंट की जो टॉप 10 की सूची है, ये कूपन कोड या फिर जो प्रोमो कोड आपको ईमेल आईडी के माध्यम से मिला है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही वैलिड है। आप लोग इसका लाभ उठाइए, निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको कोर्स में 50% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार से आज वाले वीडियो में भी है, आपको पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है और एप्लीकेशन पे जाकर इसका टेस्ट सीरीज को अटेंड करना है और वहां पर कोशिश करना है कि आपको सारे के सारे प्रश्न हल करना है। अब यहाँ पर जो आप ये सभी मेटेरियल देख रहे हैं ये सभी आपको इसी कोर्स में उपलब्ध कराया गया बीपीएससी मेकर ऐप पर, निश्चित तौर पर आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसी कोर्स में आपका करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज सम्मिलित है, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह किया गया है। हालांकि इस कोर्स की बात करें तो बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से इसे आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके परचेज भी कर सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। प्रत्येक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, जिस बीच आपको सही विकल्प का चयन करना है और आपको अपना आंसर काउंट करना है। और वीडियो के अंत में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है। चलिए अब यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मरचा चावल, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है ये बिहार से GI टैग प्राप्त छठा कृषि उत्पाद है। हालांकि आप यहां पर वीडियो फॉर्मेट में या फिर टेस्ट फॉर्मेट में वीडियो को देख रहे हैं तो यहां पर आपको किसी भी प्रश्न में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन वाला जो संपूर्ण जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा वो PDF आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे। वहां पर आपको सारी जानकारी जो भी प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं विस्तार पूर्वक वहां पर स्टैटिक GK के साथ आपको सारा चीज मिल जाएगा। निश्चित तौर पर बीपीएससी मेकर ऐप पर जाकर इसे टॉपिक स्टडी के अंतर्गत आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हम यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर का विमोचन किया गया, बताएं कि इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो आपको सारे विकल्पों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य है, यानी कि हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो सबसे पहला विकल्प हमारा था कि इसका विमोचन राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किया गया, तो ये कथन हमारा यहाँ पर सत्य है। दूसरा कथन हमारा है कि इसके लेखक डॉक्टर उषा विद्यार्थी है, तो ये भी कथन सत्य है। जबकि बात करें हम यहाँ पर विकल्प नंबर C की, तो उषा विद्यार्थी एक कांग्रेसी नेता है, ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा।
जबकि वहीं पे हम बात करें विकल्प नंबर डी या फिर जो कथन नंबर डी है, यहाँ पर लिखा गया कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल है, तो ये भी सही है। तो अर्थात हमारा तीन विकल्प सही हुआ, ए बी और डी। और इस दृष्टिकोण से, बीपीएससी के दृष्टिकोण से जो फाइनल आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलते हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि चीन सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है, बतलाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। आप यहां पर इस वीडियो में जितने भी प्रश्न देख रहे हैं वो डेली करंट अफेयर्स वाला जो क्लास चलता है बीपीएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पर, वहीं से पिछले एक वर्षों के जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न निकलकर सामने आए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है, वैसे प्रश्नों का यहाँ पर आप संग्रह देख रहे हैं, या फिर वैसे प्रश्नों का यहाँ पर संग्रह किया गया है। और यहाँ पर अब हम आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में 111वां बिहार दिवस मनाया गया, बताएं कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हालांकि पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था कि इस वर्ष 2021 में बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, इसी से संबंधित है। यहाँ पे पूछा गया कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और आपको ध्यान रखना उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प यहाँ पर सही होगा। और उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्पों की बात करें तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई के तहत 1912 में भारत का 12वां राज्य बना था बिहार, ये कथन हमारा सही है। यहाँ पे एक्चुअली में बिहार की बात किया जा रहा है, तो 1912 में भारत का 12वां राज्य बना था बिहार। जबकि बात करें हम विकल्प नंबर बी की, तो 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। जबकि बात करें झारखंड की, तो सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तीन विकल्प यहाँ पर हमारा सही है। जबकि बात करें हम विकल्प नंबर डी की, तो यहाँ पर लिखा गया कि बिहार दिवस 2023 की थीम जल जीवन हरियाली थी। एक्चुअली में ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि जल जीवन हरियाली जो थीम थी ये 2022 में जो 110वां बिहार स्थापना दिवस मनाया गया उसका निर्धारित थीम था, जबकि 2023 का जो निर्धारित थीम था ये था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये सारी जानकारी हमने आपको संबंधित जो भी जानकारी थी वो आपको विस्तार पूर्वक दिया है। तो डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आगामी एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। अब यहाँ पे हमारा पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे प्रदान किया है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हॉकी इंडिया की तरफ से पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया हार्दिक सिंह को, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति हुई है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा KR पार्वती, जो कि भारतीय मूल की है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो कवि लमदम पार्वती इनका पूरा नाम है, या फिर कवि लमदम रामास्वामी पार्वती इनका नाम है, जो कि आपको ध्यान रखना है। इस तरह से भी यहाँ पर आपको कंफ्यूजन बन सकता है, तो शॉर्ट में भी आपको ध्यान रखना और पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना, जो कि अभी हाल ही में तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त हुए हैं, जो कि भारतीय मूल के। नेक्स्ट हमारा सातवां प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में क्रिकेटर टीम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, बताएं कि वे किस देश के पूर्व क्रिकेटर हैं। यहाँ पर इनका नाम है टीम पेन, आपको बताना कि ये किस देश के पूर्व क्रिकेटर हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा वे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, जो कि टेस्ट टीम के वे कप्तान रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो आपको ध्यान रखना इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, जो कि टीम पेन ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, यहाँ के क्रिकेटर थे। नेक्स्ट हमारा आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इंडियन वेल्स मास्टर सिंगल्स खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इंडियन वेल्स मास्टर सिंगल्स का खिताब भी हाल ही में कार्लोस अल्काराज ने अपने नाम किया। और आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि कार्लोस अल्काराज जो है ये स्पेन के रहने वाले हैं और उन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। नेक्स्ट हमारा नवा प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में खेले गए ईरानी कप 2022-23 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने अभी हाल ही में ईरानी कप 2022-23 का खिताब अपने नाम किया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 10वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के प्रस्ताव के आधार पर ही वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाजरा महोत्सव की बात करें तो अभी हाल ही में बिहार के भोजपुर में बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया था। चलते हम यहाँ पर अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, बसोहली पेंटिंग की बात जब करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, जिसे कि अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब यहाँ पर जीआई टैग की बात करें तो संबंधित सारी जानकारी हमने कई बार आपको दिया है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि जीआई टैग पाने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद था दार्जिलिंग चाय, और जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है ये चेन्नई तमिलनाडु में है। चलते अगले हम 12वें प्रश्न पे। ये 12वां प्रश्न है कि विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 अर्थात फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया या फिर अनुमान जताया है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है 6.3% रहने का आंकलन किया गया विश्व बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का। नेक्स्ट हमारा 13वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख के तौर पर संजय जसजीत सिंह नियुक्त हुए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि नौसेना प्रमुख की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखें, नौसेना प्रमुख को एडमिरल कहा जाता है, और वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख की बात करें तो आर हरिकुमार है, और नौसेना की स्थापना की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950 को नौसेना की स्थापना हुई थी, ये डेट यहां से आपको ध्यान रखना है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा यहां पर 14वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अभी हाल ही में सिलिनेक्स 2023 जो आयोजित हुआ भारत और श्रीलंका के मध्य, ये इसका 10वां संस्करण था जो कि 3 से 8 अप्रैल 2023 तक कोलंबो में आयोजित हुआ है। ये आपको यहां से ध्यान रखना कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में इसका आयोजन हुआ और ये 10वां संस्करण था। निश्चित तौर पर अगर इस सीरीज के सारे वीडियो को आप फॉलो करेंगे तो आने वाले बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और आपको एक जानकारी यहाँ पर यह भी दे दूं कि बीपीएससी के द्वारा अब जो बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा लिया जाएगा वहां पर भी ये सारे प्रश्न आपको निश्चित तौर पर 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस सीरीज में बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का, खास करके तीनों घटनाओं का चुनिंदे प्रश्नों का ही संग्रह है। निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न इस सीरीज में कवर कराए जाएंगे और यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको जानने को मिलेगा। फिलहाल अब यहाँ पर हमारा 15वां प्रश्न है कि फ्रांस ने हाल ही में राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड में भारत से किसे आमंत्रित किया है, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। आपको ध्यान रखना है कि जो बेस्टिल डे परेड प्रत्येक वर्ष फ्रांस में मनाया जाता है, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी ध्यान रखना है कि बेस्टिल डे परेड में भारत की ओर से पिछली बार जो शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह शामिल हुए थे। 16वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 खिताब जीता है। तो रेडबुल के फॉर्मूला वन ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन ने अभी हाल ही में ये ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया, और ये पहली बार इन्होंने अपना खिताब अपने नाम किया है।
ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्मूला वन की, तो यह एक रेसिंग प्रतियोगिता होती है। तो फॉर्मूला वन की जो टीम होती है, जैसे कि मर्सिडीज हो गया, रेडबुल हो गया, तो इस सभी की बात करें, जैसे अभी हाल ही में रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपन ने तो इस खिताब को अपने नाम किया, तो पिछली बार जो ये खिताब जीता था 2011 में इसने अपने नाम किया था। और आपको ये भी ध्यान रखना कि सेबेस्टियन वेटेल ने इस खिताब को 2011 में ये रेडबुल को दिलाया था। ये संबंधित सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 17वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल ही में गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस पॉलिसी की शुरुआत भी 1 अप्रैल 2023 से। आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार की एक पहल है, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम तेलंगाना के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे कि तेलंगाना राज्य की जो स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर किया गया था, और ये भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और तेलंगाना के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे चंद्रशेखर राव तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब कह सकते हैं जो तेलंगाना राज्य बना, तो उस समय भारत में 29 राज्य हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसके बाद से एक राज्य कम हो गया और परिणाम स्वरूप भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये यहां से आपको ध्यान रखना है। और अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में क्रैकल पोर्ट का अधिग्रहण किया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 18वां ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अडानी ग्रुप ने अभी हाल ही में क्रैकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है। अब ये क्रैकल पोर्ट है कहां, तो ये तमिलनाडु में है। ध्यान रखेंगे चेन्नई से करीब 300 किलोमीटर दूर ये स्थित है, और अभी हाल ही में अडानी ग्रुप ने 1485 करोड़ रुपए में इसका अधिग्रहण किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारे प्रश्न जो आप यहाँ पर देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स वाला सीरीज से ही लिया गया है। नेक्स्ट हमारा 19वां प्रश्न है कि सलीम दुरानी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे। इस तरह के भी प्रश्न हमने देखा कि एग्जाम में बनते हैं। तो सलीम दुरानी की बात करें तो वे पूर्व क्रिकेटर थे भारत के, हालांकि वे मूल रूप से अफगानिस्तान के रहने वाले थे। ये भी ध्यान रखेंगे 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो परिणाम स्वरूप सलीम दुरानी का जो परिवार था वो भारत आ गया था, और मूल रूप से जब भी बात होगी सलीम दुरानी की तो वे अफगानिस्तान के ही रहने वाले थे, लेकिन भारत के लिए क्रिकेट खेलते थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 20वां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि से बिहार में 4था कृषि रोड मैप लागू हुआ है, बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अब तक बिहार में 3 कृषि रोड मैप संचालित किया जा चुका है, और चौथी कृषि रोड मैप की जो शुरुआत हुई है ये 1 अप्रैल 2023 से हुई, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कृषि कर्मण पुरस्कार की बात करें तो कई बार हमने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दिया है कि बिहार को अब तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, ये सारी संबंधित बातें आपको याद होगा। फिलहाल अब यहाँ पे हम आ चुके हैं अगले 21वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस इंजीनियर को नासा ने हाल ही में अपने मून टू मार्स अर्थात चांद से मंगल कार्यक्रम का पहला प्रमुख चुना है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमित छत्रिय जो कि भारतीय मूल के हैं, अभी हाल ही में नासा ने इन्हें मून टू मार्स अर्थात चांद से मंगल कार्यक्रम का पहला प्रमुख के तौर पर चुना है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा 22वां प्रश्न है कि हाल ही में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया पब्लिकेशन ने नेपाली पुस्तक फुलंगे के अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन की घोषणा की है, बताएं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेखनाथ छेत्री इस पुस्तक के लेखक हैं जो कि दार्जिलिंग के रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी इस पुस्तक के या फिर इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद की, तो इस अंग्रेजी अनुवाद को क्या शीर्षक दिया गया ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका अंग्रेजी शीर्षक का नाम है फ्रूट्स ऑफ द बैरन ट्री, और इसके अनुवादक हैं अनुराग बासनेट। और आपको ये ध्यान रखना है हमने यहाँ पर जो जानकारी दिया इस पुस्तक के बारे में, जो फुलंगे इस पुस्तक का नेपाली संस्करण है, तो नेपाली संस्करण के लिए वर्ष 2021 में नेपाल के सर्वोच्च जो साहित्यिक पुरस्कार है मदन पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया था।
आपको इस बात का ध्यान रखना, नेपाल का जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है वो क्या है, तो नोट कीजिएगा, वो है मदन पुरस्कार। हालांकि ये सारी जानकारी हमने आपको दिया है। नेक्स्ट हमारा 23वां प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल 2023 की, देखिए यहाँ पर एक शब्द एक्स्ट्रा लिखा गया है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, हाल ही में आईपीएल 2023 आयोजित हुई है, बताएं कि यह आईपीएल का कौन सा संस्करण है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, अभी हाल ही में 2023 में जो आईपीएल आयोजित हो रहा है ये इसका 16वां संस्करण है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जबकि बात करें 15वें संस्करण की, तो इसका विजेता था गुजरात टाइटंस, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया था पिछली बार, और जो पहली बार ही ये आईपीएल मतलब सीरीज में या फिर इस जो T20 सीरीज है भारत में घरेलू लीग प्रतियोगिता इसमें शामिल हुआ था, तो पहले ही संस्करण में जीटी ने अपने नाम ये खिताब कर लिया था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 100% यानी कि 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दिल्ली। चलते अगले 25वें प्रश्न पे, हमारा 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में सेरिकल्चर मेले का आयोजन किया गया, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सेरिकल्चर मेले या फिर रेशम कृषि मेले का जो आयोजन हुआ ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात जो हो रही है सेरिकल्चर की, तो ये किससे संबंधित है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जाने कि रेशम को तैयार करने के लिए जो रेशम कीट का जो पालन होता है रेशम उत्पादन के लिए, उसे ही सेरिकल्चर या फिर रेशम कीट पालन कहा जाता है, और भारत में रेशम पालन को या फिर सेरिकल्चर को कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। और रेशम उत्पादन की बात करें तो जब भी ये प्रश्न एग्जाम में बने तो चीन के बाद रेशम उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। एक अहम जानकारी हमने आपको दिया था कि रेशम का जितना भी किस्म पूरी दुनिया में पाया जाता है वो सारा किस्म भारत में उपलब्ध है। नेक्स्ट हमारा 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो अभी हाल ही में लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत किया गया तेलंगाना के द्वारा, अभी हमने तेलंगाना संबंधित कुछ बेसिक सी जानकारी दिया था जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट हमारा 27वां प्रश्न है कि शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान को हाल ही में कहाँ का युवराज घोषित किया गया है, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो 27वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अबू धाबी। आपको यहां पर इस बात का ध्यान रखना कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान ने अपने बड़े बेटे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान को अबू धाबी का युवराज घोषित किया है। तो इस आधार पर आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट बी रेड लिखी है, यानी कि इसके लेखक या फिर लेखिका कौन है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इस पुस्तक का नाम है वाई कांट एलिफेंट बी रेड यानी हाथी लाल क्यों नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा 28वां का ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वीना त्रिपाठी, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया यानी कि इसका जो प्रकाशक यानी कि जो पब्लिकेशन है ये है नियोगी बुक्स। और इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में 2 साल की बच्ची अक्कू के बारे में कुछ काल्पनिक तथ्यों का वर्णन इसमें विस्तार से किया गया है। चलिए यहाँ पर हमारा अगला 29वां प्रश्न है कि वर्ष 2022 में वैज्ञानिकों को दुनिया के सबसे पुराना तकरीबन मान के चलिए 380 साल या फिर 38 करोड़ वर्ष पुराना दिल मिला है, बताएं कि यह किस जीव का दिल है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। हाल ही में यह बहुत ज्यादा खबरों में रहा था और यहाँ पर आपको बताना है कि जो दिल मिला है 380 मिलियन वर्ष पुराना है, आपको पूछा गया कि यह किस जीव का दिल है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यह एक मछली का दिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इस दिल से संबंधित या फिर इस हार्ट से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे क्या नाम दिया गया है, तो इसे नाम दिया गया है आर्थोडायर हार्ट, ये नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा 30वां प्रश्न है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले साल 2022 में किस देश को हराकर 7वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था, पिछले वर्ष 2022 में एशिया कप का खिताब भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर अपने नाम किया था।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका की महिला टीम को हराकर भारतीय महिला टीम ने अपने नाम किया था। हालांकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको दे दूं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। 2022 में जो महिला एशिया कप आयोजित हुआ ये इसका 8वां संस्करण है, और इस 8 संस्करण में से 7 बार इस खिताब को भारतीय महिला टीम ने अपने नाम किया है, जबकि एक बार ही, सिर्फ और सिर्फ एक बार 2018 में इस खिताब को बांग्लादेश ने अपने नाम किया था। हालांकि इसके अतिरिक्त हम बात करें श्रीलंका और भारत के दृष्टिकोण से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की इस एशिया कप से संबंधित, तो फाइनल मुकाबले में भारत और श्रीलंका 5 बार आमने सामने रही है और 5ों बार श्रीलंका को शिकस्त दी है भारतीय महिला टीम ने। ये संबंधित सारी जानकारी अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महान व्यक्ति की जयंती के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 31वें नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के अवसर पर या फिर जयंती के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, और ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को। अब यहाँ पर एक जानकारी ये ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसे मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2010 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा 32वां प्रश्न है कि 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किशनगंज जिला का 14 जनवरी 2023 को 33वां स्थापना दिवस मनाया गया, और किशनगंज जिला की स्थापना की बात करें तो 14 जनवरी 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने किशनगंज को एक जिला के रूप में घोषित किया था। ये यहां से आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा यहां पर 33वां प्रश्न है कि जनवरी 2023 में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है, महत्वपूर्ण है, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो जनवरी 2023 में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बना केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 34वां प्रश्न है कि जनवरी 2023 में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया, जनवरी 2023 में यह रिपोर्ट आया था, इस रिपोर्ट का नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट थी, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 में 6.6% के विकास दर से बढ़ने का आकलन किया गया था। ये जो रिपोर्ट थी ये संबंधित है विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक से। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा हो जाएगा 35वां प्रश्न, ये प्रश्न की डिजिटल इंडिया पोर्टल अवार्ड 2022 से किसे, डिजिटल इंडिया पोर्टल अवार्ड 2022 में किसे प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ई नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। ई नाम पहल है जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की एक पहल है, जिसे अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया के प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हालांकि इसके अतिरिक्त यानी कि प्लेटिनम अवार्ड के अलावे बात करें हम गोल्ड अवार्ड और सिल्वर अवार्ड की, तो गोल्ड अवार्ड मिला है किसे, तो ई ट्रांसपोर्ट को मिला है, और बात करें सिल्वर अवार्ड की तो जजमेंट सर्च पोर्टल को ये सिल्वर अवार्ड मिला था। ये सारी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताई गई है। फिलहाल अब यहाँ पे हमारा अगला 36वां प्रश्न है कि हाल ही में एक तारे का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है, जिसे कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में पंजीकृत भी किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस तारे का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको ये बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने थे, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 3 बार, नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा 37वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है, ये कहाँ किया गया है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में किया गया हुबली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखना है। और आपको यहाँ पर ये जानकारी देने को हुबली है कहाँ, तो ये कर्नाटक में है, और आपको ये भी ध्यान रखना है अभी हाल ही में कर्नाटक के हुबली में ही सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, ये जानकारी हमने आपको दिया था।
नेक्स्ट 38वां प्रश्न है कि हाल ही में लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है, बताएं कि इसके लेखक कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अरविंद मंडलोई। हालांकि आपको यहां पर इस बात का भी ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं, ये जो अरविंद मंडलोई के द्वारा लिखित पुस्तक है जादूनामा, ये किन पर आधारित है? तो ये पुस्तक आधारित है जावेद अख्तर पर, जो कि भारतीय गीतकार हैं। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ये नहीं बल्कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये जो पुस्तक है जादूनामा, ये जावेद अख्तर पर ही आधारित है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 39वां प्रश्न है कि 3 दिसंबर 2022 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई, बताएं कि निम्न में से उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो 3 दिसंबर 2022 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था बिहार के सिवान जिले के जीरादेई ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और जीरादेई ग्राम के बारे में आपको जानकारी यहां पर दे दूं कि जीरादेई ग्राम को महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में यह ध्यान रखें, वे भारत के प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति थे जो कि संबंधित है बिहार के सिवान जिले से। नेक्स्ट हमारा 40वां प्रश्न है कि पिछले वर्ष दिसंबर 2022 में नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव के 23वें संस्करण का आयोजन किया गया, दिसंबर 2022 में, बताएं कि इस वर्ष, देखिए यहाँ पर वर्ष 2022 की बात कर रहे हैं, वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या थी, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2022 में इसका थीम निर्धारित था दिस इज नागालैंड। आपको ये ध्यान रखना, ये हॉर्नबिल महोत्सव का 23वां संस्करण था जो कि 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक ये आयोजित हुआ था। कहाँ पर? नागालैंड में। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड की स्थापना संबंधित आपके बीपीएससी एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी और वे भारत के 16वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपको ये सारी बातें याद होगी, हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। अब यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है, क्योंकि ये आपकी तैयारी का आकलन करता है कि आप कितने प्रिपेयर हैं आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर जो हमने कट ऑफ आपको निर्धारित किया था 33 प्रश्नों का, अगर 33 से अगर आप कम रह चुके हैं तो आपको ऐसे में जरूरत है, जो हमारा डेली करंट अफेयर्स वाला क्लास चलता है बीपीएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पर, तो वहां पर आप निश्चित तौर पर उसे फॉलो करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और रही बात यहाँ पर वैसे छात्रों की जो 33 से अधिक स्कोर कर पाए हैं, तो ये समझिएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपको और भी अगर मेहनत करेंगे आप, तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर 40 में से 40 प्रश्न को हल करेंगे। आज ही ये संकल्प लीजिए कि इस सीरीज के सारे वीडियो को आप देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है, आप इस वीडियो को देख कर समझ ही चुके होंगे कंटेंट का क्वालिटी क्या है, किस प्रकार से आपको दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिए। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको टॉपिक स्टडी वाले कोर्स के अंतर्गत ये मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के इसका पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कोर्स वाले हमने आपको जानकारी दिया था, आप इस कोर्स को कूपन कोड BM100 का इस्तेमाल करके परचेज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको बहुत सारे मटेरियल मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।